This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। महकमा सेहत हुकूमत तेलंगाना के कोविड-19 खसूसी बुलेटिन के मुताबिक जुमेरात के रोज तेलंगाना में कोविड-19 के 965 नए वाकयात और 5 अमवात की इत्तला मिली। GHMC के इलाके में कोविड-19 के 254 नए केसेस दर्ज किए गए। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र GHMC में अवामी मुकामात पर थूकना एक काबिल सज़ा जुर्म करार दिया है। ताज़ा तरीन सर्कुलर में GHMC ने कहा कि कानून और कवायद के मुताबिक मुकामी अथॉरिटीज़ के ज़रिए तजवीज़ करदा अवामी मुकामात पर थूकने पर जुर्माना अहद किया जाएगा। तेलंगाना में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन वापस करने के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे जियो को चीफ सेक्रेटरी सुमेश राव ने फेक बताते हुए कहा, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस तरह का कोई भी हुक्म जारी नहीं किया गया। और हैदराबाद पुलिस ने भी कहा, ये जियो नकली है, आवाम इस पर भरोसा ना करे। और पुलिस ने झूठी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी। रेस्टोरेंट और फूड ड्राइव्स कोविड वबाई अमराज के वस्त में एहतियाती तदाबीर के बगैर जुबली हिल्स में बहुत से अवामी इज्तमाई में आधी रात 3 बजे तक खुली रहती हैं। बॉलीवुड अदाकार आलिया भट्ट कोविड-19 से मुतासिर हो गई है। 28 साल अदाकार इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए अपने फैंस को आगाह किया है कि वो इस वक्त अपने डॉक्टर के ज़रिए दर्ज तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल कर रही है और घर में खुद को अलग तन्हाई में रखा है। पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड के अदाकार कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जैसे आमिर खान, आर माधवन, कार्तिक आर्यन, रोहित सरफ, विक्रांत मर्से और बप्पी लहरी। नागार्जुन सागर बाईपोल इलेक्शन में BJP तेलंगाना उम्मीदवार की दुखी हालत देखिए, वो लफ्जी चीख रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, इससे BJP की मुश्किल पोजीशन जाहिर होती है।